नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नौकरी एग्जाम वाला में। आज की इस वीडियो में भाषा सेकेंड हिंदी के प्रश्नों को हमने चूज किया है, जो कि जुलाई 2019 के सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। महत्वपूर्ण निर्देश इसके देखे लेते हैं। यहाँ पर परीक्षार्थी भाग चार प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी नहीं यदि उन्हें भाषा सेकेंड का विकल्प हिंदी चुना है। निर्देश यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको हम पढ़े लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित अध्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चिन्हित या उत्तरित कीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों को। दोस्तों, पैराग्राफ, गद्यांश या पद्यांश या काव्यांश को तेजी से आप पढ़ें, और उससे पहले कर सकते हैं तो प्रश्नों को एक बार पहले गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार देख लें, जिससे हमें उन प्रश्नों के पढ़ते टाइम ही उसमें आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिए हुए गद्यांश को पढ़ रहे हैं। आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे, जिससे इजीली आप प्रश्नों के उत्तर आपको दे पाएंगे। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसे आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि हम कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणी जन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते रहें और जीवन रूपी सितार उत्पन्न होने वाले प्रत्येक राग रूपी कार्य में हम सार्थक और आनंद भी प्रदान करेगा। इस संसार में हमें जो कुछ सोचते कहते अथवा करते हैं वह हमारे पास लौट कर आता है, न कम न अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा नवादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वह अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम कोई बुरा अपमानजनक अथवा घृणा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा अपमानजनक और घृणाप्रद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज हमें लौट कर वापस हमारे कानों तक आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज निकालते हैं तो वैसी ही डरावनी आवाज निकल कर लौट कर आती है। जैसा हम वैसा जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभी शब्द होते हैं। यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय हम समझते नहीं। चूंकि आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास आते दिख रहे हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या एक, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? ऑप्शन एक, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। ऑप्शन दो, जीवन तो सुरीला होता ही है। ऑप्शन नंबर तीन, तुलना ही असंगत है। ऑप्शन नंबर चार, जीवन सितार की भांति संगीत में होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 122, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया? ऑप्शन एक आघात, ऑप्शन नंबर दो गूंज का, ऑप्शन नंबर तीन अनुशासन का, ऑप्शन नंबर चार सितार का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, सितार का, माफ कीजिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो गूंज का। लेखक ने इस गद्यांश में जैसा करते हैं वैसा पाते हैं को समझाने के लिए गूंज यानी आवाज को वापस हम तक पहुँचने वाला उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 123, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। ऑप्शन एक निकलता है, ऑप्शन नंबर दो सार्थकता, ऑप्शन नंबर तीन कठोरता, ऑप्शन नंबर चार कोमलता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक निकलता, अन्य तीनों से भिन्न है, जबकि सार्थकता कठोरता कोमलता ये एक ही इनका अर्थ है। प्रश्न नंबर 124, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो की कर्म वाच्य ही रचना होगी। ऑप्शन नंबर दो, यदि कोई अच्छा वाक्य शब्द वाक्य बोला जाए तो। ऑप्शन दो, कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो। ऑप्शन नंबर, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो। ऑप्शन नंबर चार, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, यदि कोई अच्छा
प्रश्न नंबर 125, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन एक घृणा प्लस पद, ऑप्शन दो घृणा प्लस आस्पद, ऑप्शन तीन घृणा प्लस पद, ऑप्शन चार घृणा प्लस पद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, घृणास्पद का सही संधि विच्छेद होगा घृणा प्लस आस्पद। प्रश्न नंबर 126, कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन एक रचनाकार, दो कवि, तीन गीतकार, चार संगीतकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, संगीतकार गोपाल दास यानी नीरज के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये गोपाल दास नीरज एक रचनाकार, कवि और गीतकार रहे हैं, संगीतकार नहीं रहे। प्रश्न नंबर 127, एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलने किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन एक श्रोता की रुचि पर, दो हल्के या तेज आघात से, तीन वाद्य यंत्र पर, चार बजाने वाले कला पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, हल्के या तेज आघात पर निर्भर करता है कि वाद्य यंत्र से कोमल या कठोर ध्वनि निकले। प्रश्न नंबर 128, कर्ण प्रिय ध्वनि कहाँ से है। ऑप्शन एक कानों को प्रिय, ऑप्शन दो कानों से प्रिय, ऑप्शन कानों पर प्रिय, ऑप्शन चार कानों में प्रिय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, वह ध्वनि कर्ण प्रिय ध्वनि होती है जो कि कानों को प्रिय लगने वाली हो, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर है। निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है, परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसा वह स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसा वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही स्वाभाविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया में के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए बने रह सकते हैं जब हम अपने नाश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करें। हम स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किए जाने वाला त्याग, त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता होती है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता, इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मक अपना कर निरंतर योग ध्यान तप साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति में विचारते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब एक विशेष मानवीय परिस्थिति उत्पन्न होगी तब ही मानव में त्याग भाव आकर ग्रहण करेगा। प्रश्न नंबर 129, त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर एक साधारण पात्रता, सर्वोच्च मान्यता, तीन सद्गुणों की प्राप्ति, चार असाधारण रचनात्मकता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, असाधारण रचनात्मकता। त्याग के लिए योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है असाधारण रचनात्मकता। प्रश्न नंबर 130, आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा रेखांकित शब्द का अर्थ है पूर्ण, ऑप्शन दो रिक्त, ऑप्शन तीन सतर्क, ऑप्शन चार सज्जित। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, सज्जित, लैस का अर्थ सज्जित होना है। प्रश्न नंबर 131, आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है। ऑप्शन नंबर एक अधि, दो आधि, तीन असाध्य, चार अ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, अधि। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण अधि उपसर्ग से हुआ है, ऑप्शन नंबर एक सही। क्वेश्चन नंबर 132, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न या अलग शब्द कौन सा है। ऑप्शन एक वैचारिक, ऑप्शन दो बौद्धिक, ऑप्शन नंबर तीन वास्तविक, ऑप्शन नंबर चार मालिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, मालिक अन्य सभी से भिन्न है। वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक ये एक ही अर्थ वाले शब्द। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 133, शरीर को नाश्वर कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर एक अल्पायु होता है, ऑप्शन नंबर दो नाशवान होता है, ऑप्शन तीन छोटा होता है, चार अत्यल्प होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, नाशवान होता है। प्रश्न नंबर 134, लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम ऑप्शन एक वास्तविक ज्ञान का अर्जन करेंगे, ऑप्शन नंबर दो निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, चार तीन वैचारिक उन्नति करेंगे, चार नाश्वर शरीर को त्याग करेंगे। सही उत्तर था ऑप्शन नंबर दो, निस्वार्थ भाव से।
प्रश्न नंबर 135, जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? ऑप्शन ए तप, ऑप्शन नंबर त्याग, ऑप्शन तीन रचनात्मकता, ऑप्शन चार शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, त्याग को जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य बताया गया है। प्रश्न नंबर 136, भाषा में आकलन का अर्थ है? ऑप्शन एक भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर दो आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, ऑप्शन नंबर तीन साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, ऑप्शन चार भाषा व्याकरण का आकलन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, भाषा के प्रयोग की क्षमता का आकलन भाषा का आकलन कहलाता है। प्रश्न संख्या 137, बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर एक शुद्ध वर्तनी, दो विचार तत्व, तीन सुंदर लेखन, चार व्याकरणिक ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दो, विचार तत्व। भाषा बच्चों में भाषा लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह विचार तत्व। प्रश्न नंबर 138, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता? ऑप्शन एक समृद्ध भाषा परिवेश को, ऑप्शन दो भाषा नियमों में परिवर्तन को, ऑप्शन नंबर तीन भाषा नियमों में विस्तार को, ऑप्शन नंबर चार भाषा अनुकरण करने को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, भाषा अनुकरण करने को। प्रश्न नंबर 139, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास ऑप्शन एक साध्य है, ऑप्शन दो संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर तीन कठिन है, ऑप्शन नंबर चार साधन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, साध्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य होता है। प्रश्न नंबर 140, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है? ऑप्शन नंबर एक कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, तीन कहानी सुनकर शब्दकोश लिखना, चार कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, कहानी सुनकर उसको अपनी भाषा में कहना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 141, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन एक मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर तीन मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद लिखेंगे, ऑप्शन तीन मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, चार रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। प्रश्न नंबर 142, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कथन ए ऑप्शन एक शुद्ध उच्चारण, दो बोलने में आत्मविश्वास, तीन मौलिक विचार, चार स्पष्टता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सही या शुद्ध उच्चारण। प्रश्न नंबर 143, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन एक भाषा कठोर आकलन पर, ऑप्शन दो भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर, ऑप्शन तीन समृद्ध भाषिक परिवेश पर, ऑप्शन चार भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास जो सर्वाधिक निर्भर करता है वह समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 144, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर एक ग्राफिया, ऑप्शन नंबर दो डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन नंबर तीन अफ्रेजिया, ऑप्शन नंबर चार डिसलेक्सिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, डिसग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि डिसलेक्सिया में बच्चों को बोर्ड पर लिखा हुआ सही नहीं दिखाई देता, यानी वो सही नहीं पढ़ पाते। प्रश्न नंबर 145, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन एक विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, ऑप्शन दो दूसरों के विचारों को शब्द से दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, तीन पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, चार विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम याद कर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 146, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के विषय में वस्तु फलक डैश होस जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। ऑप्शन एक विस्तृत समाज, ऑप्शन दो उच्च समाज, ऑप्शन तीन उच्च विद्यालय, ऑप्शन नंबर चार विस्तृत अभिभावकों का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, विस्तृत समाज, यानी प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों।
प्रश्न नंबर 147, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में ऑप्शन एक अंतर होता है, दो आंशिक संबंध होता है, तीन आंशिक संबंध नहीं होता, ऑप्शन चार अंतर नहीं होता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, अंतर नहीं होता, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न संख्या 148, बहुभाषिकता हमारी डैश भी और हमारी सभ्यता वह डैश का अभिन्न अंग है। ऑप्शन एक चुनौती संस्कृति, दो पहचान संस्कृति, तीन समस्या पहचान, चार विडंबना संस्कृति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, पहचान और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। प्रश्न नंबर 149, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंदर आता हो। ऑप्शन एक संज्ञानात्मक, ऑप्शन दो भौगोलिक, ऑप्शन नंबर तीन विद्यालयी, ऑप्शन नंबर चार भावनात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, संज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 150, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है। ऑप्शन एक आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन नंबर दो पूर्ण सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर तीन पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन नंबर चार भ्रामक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, पूर्णतः सत्य है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने 30 प्रमुख हिंदी क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, उसमें बिल्कुल भी ना शर्माएं, वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही दोस्तों अगर आपने पहली बार हमारी वीडियो को देखा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और साथ ही उसके सामने आने वाले ग्रे कलर के घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियोज़ का लुत्फ़ उठा सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो तक। थैंक यू।